नारायण विद्या केंद्र के YouTube चैनल पर स्वागत है आप सभी का बच्चों। CBSE की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है जिसे सारे बच्चे सुनकर खुश हो जाएंगे। बच्चों, स्थिति ऐसी है कि आज से पहले बच्चे अपने आंसर शीट को लेने के लिए पेमेंट करते थे, अब CBSE उस चीज़ को हटा दिया गया है। अब आपको ऐसा होगा कि आज आप एग्ज़ाम देंगे और एक दो महीने के बाद जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के तुरंत बाद एक से दो दिन के अंदर आपके आंसर शीट, आपकी कॉपी आपके स्क्रीन पर होगी। कैसे होगी वो आप देखें। CBSE 10th और 12th बोर्ड परीक्षार्थियों को दिया जाएगा मौका, उत्तर पुस्तिका के अंक छात्र ऑनलाइन देख सकेंगे। इसको मैं आपको अंग्रेजी में समझाता हूँ। उत्तर पुस्तिका का मतलब आपकी आंसर शीट, आपके आंसर शीट जो है वो आप क्या करेंगे ऑनलाइन अब आप देख सकेंगे, है ना। ऑनलाइन आप कभी भी आप लॉगिन करेंगे आपको दिखाई देगा। देखिए कैसे होगा वो आप जरा सा समझिए। यहाँ से आपको दिया है कि परीक्षक ने किस प्रश्न पर कितने अंक दिए, मतलब जो आपका कॉपी चेक कर रहा है ना, वो आपको कितने प्रश्न, किस प्रश्न पर कितने अंक दिए हैं इस बात के बारे में बताया जा रहा है। वहाँ पर उत्तर लिखने में चूक हो गया, स्टेप वाइज मार्किंग या मेथड क्या है, इन तमाम बातों का आकलन छात्र खुद कर पाएंगे। ये सुविधा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों को दी जाएगी। मतलब आपका जो कॉपी चेक होता है तो आप कहते थे ना कि सर मैं लिख के आया हूँ 100 नंबर, 80 नंबर और मुझे मिल गया 50 नंबर। अब ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा बच्चों। अब आपको किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले, कहाँ पे स्टेप वाइज मार्किंग में गड़बड़ी हुई या आपने लिखा ही नहीं, ये सारी बातें आज के बाद ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, आगे पढ़ता हूँ। परीक्षकों द्वारा दिए गए अंकों का मूल्यांकन बोर्ड परीक्षार्थी खुद कर पाएंगे। बोर्ड की माने तो बोर्ड रिजल्ट निकलने के दूसरे दिन छात्रों को एक लिंक दिया जाएगा, इसमें छात्र विषयवार अपनी कॉपी के अंक को देख पाएंगे। यह मौका छात्रों को 10 दिन के लिए मिलेगा। बहुत अच्छी खबर है ये। आपका रिजल्ट जिस दिन आएगा उसके अगले दिन आपको एक लिंक मिलेगा और उस लिंक के सहारे आपको क्या होगा कि आप अपने कॉपी को चेक कर पाएंगे और ये अब मौका आपको 10 दिनों तक रहेगा, 10 दिन के अंदर आप देख पाएँ। आज से ये प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगी कि हाँ सर कॉपी जो है सही से हमको चेक नहीं हुआ, हमको सही से मार्क्स नहीं मिला, ये सब सारे आज के बाद परेशानियाँ सारी ख़त्म हो जाने वाली हैं। गार्जियन का भी टेंशन आज से ख़त्म। देखिए आगे, CBSE द्वारा कॉपी जांच में पारदर्शिता लाने के लिए यह किया जा रहा है। इसके अलावा छात्रों को यह पता चलेगा कि उत्तर लिखने में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, छात्रों को उत्तर पुस्तिका में मिलने वाले अंकों को की सही जानकारी मिलेगी। बोर्ड की माने तो रिजल्ट जारी होने के अगले दिन बोर्ड वेबसाइट पर लिंक दिया जाएगा, इसके माध्यम से छात्र विषयवार परीक्षकों द्वारा दिए गए अंकों की जाँच खुद कर पाएंगे। इसके लिए पहले छात्रों को आवेदन करना होगा, आपको एक एप्लीकेशन देना है और उसके बाद आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, तो अगला दिन क्या है कि आपको जैसे ही रिजल्ट आएगा, आज रिजल्ट आया, कल से आपको एक लिंक मिलेगा, इस लिंक के सहारे आप क्या करेंगे, आप अपना आंसर शीट को कॉपी, जो जिस कॉपी में आपने उत्तर दिया है वो कॉपी आपको मिल जाएगा, है ना। आगे बढ़िए, देखिए, उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी ले सकेंगे छात्र। इस बार भी बोर्ड परीक्षार्थी अपने उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी ले सकते हैं। इसके लिए मौका बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद मिलेगा। छात्रों द्वारा आवेदन करने के 17 दिन बाद छात्र को उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी। 10वीं के छात्र को प्रति विषय 7 और 12वीं के छात्र प्रति विषय को 500 रुपये जमा करने होंगे, है ना। इसके लिए सुविधा से बोर्ड उन तमाम विवादों से बचेगा जिसके लिए छात्र शिकायत करते हैं। कई छात्र कोर्ट तक चले जाते हैं, ये स्थिति बनती है कि लोग तो कोर्ट तक चले जाते हैं कि सर मुझे मार्क्स अच्छा नहीं मिला तो आप मुझे मार्क्स अच्छा दिलवाइए, कोर्ट से ये डिमांड करते हैं। तो वो आज के बाद ये सब समस्याएं ख़त्म हो जानी हैं। साथ ही साथ और भी आगे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको क्या अवसर मिलने वाले हैं। कॉपी जाँच में पारदर्शिता लाने के लिए की गई व्यवस्था, रिजल्ट निकलने के दूसरे दिन छात्रों को दिया जाएगा लिंक। देखिए बच्चों, अक्सर आप अपने स्कूल में ये इस बात का शिकायत करते हैं कि सर मेरा कॉपी चेक नहीं किया जाता है। जो स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं अगर वो बच्चा उसी टीचर के पास जाता है तो उसका मार्क्स अच्छा मिलता है, ऐसा अब नहीं होगा, है ना। स्कूल तक ऐसा हो सकता है, स्कूल के बाद आपको जब बोर्ड की परीक्षा देंगे तो ये सारी समस्याएँ दूर हो जाएंगी। आपको और क्या सुविधा मिलेगा वो जरा आप देखें। अंक गलत देने वाले शिक्षक पकड़ में आएंगे।
कौन सा टीचर गलत तरीके से मार्किंग करते हैं, सही से मार्किंग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, उससे टीचर का भी इसमें पता चलेगा। टीचर किस हद तक, जैसे होता है क्या कोई आया ऐसे ही कॉपी रगड़ के चला गया, हाँ ठीक है अच्छा राइटिंग है तो उसको मार्क्स दिया, ख़राब राइटिंग है और अच्छा बनाया है बच्चा, राइटिंग खराब लेकिन अच्छा बनाया है फिर भी उसका मार्क्स कट गया, ये सब सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सही मूल्यांकन का दबाव शिक्षकों पर रहेगा। अब जो कॉपी चेक करेंगे टीचर आपके, तो उसमें उनके ऊपर एक माइंड, उसके उनके माइंड पर एक प्रेशर रहेगा कि अगर हम गलत तरीके से कॉपी चेक करेंगे तो बच्चे तुरंत हम पर हावी हो जाएंगे, बोर्ड को वो क्लेम करेंगे और बोर्ड फिर मुझे पकड़ेगा और मेरा हो सकता है जॉब चला जाए। तो ये सब दबाव उनके ऊपर रहेगा, एक प्रेशर रहेगा और उस प्रेशर की वजह से आप कॉपी अच्छी तरह से चेक कर पाएंगे। छात्र कम अंक मिलने की शिकायत नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास कॉपी है भाई, अब क्या आप शिकायत कीजिएगा कि कम अंक मिला और ज़्यादा अंक मिला, आपके सामने कॉपी है, देखिए कहाँ पे आपने गलत किया उसके अनुसार से वो मिला। अगर लग रहा है कि सर नंबर जुटने में प्रॉब्लम हो गया है, नंबर हम इस क्वेश्चन में हमको 10 नंबर मिलना चाहिए इसमें हमको 3 नंबर मिला, वो सब सामने आपके रहेगा, उसके बाद आप क्लेम करेंगे। छात्रों को उत्तर लिखने की विधि का पता चलेगा, ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज है कि जब आपके सामने कॉपी रहेगी तो आपको ये पता चलेगा कि हम जो लिखे हैं वो लिखने का तरीका मेरा सही था या गलत था। यही होता है ना भाई कि अब सपोज करते हैं कि हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ना, एक्स और प्लस 5 इक्वल टू 0 है। बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं कि कंटिन्यू इसको ये करते चले जाते हैं, सपोज करते हैं ये इक्वेशन सही नहीं आया लेकिन फिर भी मैं समझाता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस एक्स और प्लस 5 सपोज करें इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, इम्प्लाई दैट देना ही छोड़ देते हैं, नहीं तो ये इम्प्लाई दैट देने नहीं अगर दीजिएगा तो आपका मार्क्स कटेगा। कहीं कहीं क्या होता है कि आप देखें कि एक्स स्क्वायर और प्लस 5x और प्लस 6 सपोज करते हैं, ये इक्वल टू 0 नहीं है, इसको फैक्टराइज करना है। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि इम्प्लाई दैट दे करके और इस तरह से बनाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x और प्लस 6, भाई यहाँ पे गलत है, आप इम्प्लाई दैट यहाँ नहीं देना है आपको, यहाँ पे आपको क्या देना है, इक्वल टू का साइन देना है। ओके, तो आपको ये सब आइडिया होना चाहिए कि हम इम्प्लाई दैट का साइन कहाँ देंगे, हम ये इक्वल टू का साइन कहाँ देंगे, ये सब बातें आपको पता चलेगा। ऐसे तो टीचर आपको पहले से भी बताते हैं तो ये कोई बड़ा मैटर नहीं, लेकिन आपको उस बात को पकड़ना होगा, ठीक है। परीक्षकों द्वारा दिए जाने वाले अंक जान पाएंगे और फिर एग्जाम जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो कितना हमको मार्क्स दिए हैं वो सब आपको अच्छे से आपको जानकारी हो जाएगी। ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज है बच्चों के लिए और गार्जियन के लिए भी, दोनों के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं मैं तो कहूँगा गार्जियन के लिए भी बहुत अच्छा न्यूज है कि गार्जियन अपने बच्चों को जो कहते थे कि हाँ तुम्हारा मार्क्स कम आया ये आया, अब भाई उसको आप देखिए और आप उसको अगला एग्जाम के लिए आप उसको तैयार कीजिए कि हाँ कहाँ तुम्हारा कमी रह गया, उस कमी को दूर करो और कमी को दूर करके नेक्स्ट एग्जाम में तुम बढ़िया परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार रहो। ओके बच्चों, तो ये एक अच्छी न्यूज है और मैं मृत्युंजय कुमार आपका स्वागत करता हूँ, ठीक है, और CBSE के इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूँ जो टीचर के लिए भी अच्छा न्यूज है और स्टूडेंट के लिए भी न्यूज है, बढ़िया। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे कभी मिलूँगा और बातें करूँगा, धन्यवाद। सब्सक्राइब NVC for Maths एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट्स।